लाहौर में बारिश ने सर्दी की शिदत बढ़ा दी। पीको रोड टाउनशिप, इकबाल टाउन, जौहर टाउन में बारिश, मजंग, मुस्लिम टाउन, इचरा, गुलबर्ग में भी बादल बरस पड़े। समनाबाद, वाबडा टाउन, कोट लखपत समेत दीगर इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, शहरियों को मुश्किलात। दर्जा हरारत कम होकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बारिश के बाद मुतादित फीडर ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का महकमा तालुकाते आमा का दौरा, डिजिटल और सोशल मीडिया टावर का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आला ने DGPR के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया, DGPR के अफसरान से मुलाकात की, हुकूमती इकदामात को मौसर अंदाज में उजागर करने की भी हिदायत की। लाहौर की नई पहचान, ग्लोबल विलेज फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फीता काटा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया, मियारी फैमिली एंटरटेनमेंट को सराहा। सुबाई बुज़दा SM तनवीर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, इब्राहिम मुराद, डॉक्टर जावेद अकरम हमरा थे। कौम का पैसा जाया नहीं होना चाहिए, मोहसिन नकवी का शोबा सेहत में एक और इनकलाबी इकदाम। सरकारी अस्पतालों की रिवैम्पिंग के बाद देखभाल का लाएंगे निजाम। इमारात, तिबी आलात और मशीनरी की बाकायदगी से इंस्पेक्शन की जाएगी। माजी में अदम तवज्जोही से इमारतें, आलात और मशीनरी को नुकसान पहुंचा। अलीम खान के तूफानी दौरे, धड़ाधड़ मुलाकातें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मुहिम में तेजी आ गई। NA 117 से उम्मीदवार अलीम खान की हशमत शाह से मुलाकात, कैसर अमीन बट की रिहायशगाह पर सियासी बैठक, जमान नसीब से अलीम खान की इंतखाबी हिकमत अमली पर बात। PP 149 में मरियम नवाज के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह, PP 147 में हमजा शहबाज का इंतखाबी दफ्तर खुल गया। जौहर टाउन में जलसा, उम्मीदवार PP 161 उमर सुहेल जियाबट का खिताब, नून लीग का मंशूर बताया। PP 165 से लीगी उम्मीदवार शहजाद नजीर संधु की कॉर्नर मीटिंग, ग्रीन एकर सोसाइटी में मुलाकातें। IPP उम्मीदवार ओम चौधरी का गुरु मांगट रोड का दौरा, मौजिजीने इलाका से मुलाकातें, वोट की दरख्वास्त की। NA 128 के उम्मीदवार ओम चौधरी रहमानपुरा भी गए, जलसे से खिताब किया, पार्टी का मंशूर बताया। सलाहुद्दीन, चौधरी एहसान, अली गौरी हमरा थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कमर कस ली, NA 127 से उम्मीदवार बिलावल भुट्टो की मुहिम तेज, चौधरी सरवर की वुमेन विंग से मुलाकातें। NA 117 से उम्मीदवार आसिफ हाशमी की बड़ी कामयाबी, आजाद उम्मीदवार उमर सिद्दीक आसिफ हाशमी के हक में दस्तबरदार हो गए। उम्मीदवार NA 128 अदील मुहायुद्दीन की इंतखाबी मुहिम, गुलबर्ग में वुकला बरादरी से मुलाकात। FVR में असलाहत की मंजूरी, असासों की तकसीम के लिए 8 रुकनी इख्तियाराती कमेटी कायम, वफाकी वजीर खजाना कमेटी के सरबरा, सेक्रेटरी कानून हिस्सा होंगे, कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के लिए पॉलिसी का तायुन किया जाएगा। काबीना कमेटी ब्राय अमनो अमान का खसूसी इजलास, तहरीक जिहाद पर पाबंदी लगाने की सिफारिश, हसास पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का फैसला किया। होम सेक्रेटरी ने 6 फरवरी तक CCTV कैमरे लगाने का भी हुक्म दिया। इंतखाबात के दौरान अमनो अमान यकीनी बनाने का टास्क, फौज और रेंजर्स के दस्ते 5 फरवरी को चार्ज संभालेंगे। पुलिस ने भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए, गैर हाजिरी या कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक का म्याना की जेर सदारत इंतजामात पर इजलास हुआ, DRG ऑपरेशन की अफसरान और जवानों के साथ मुलाकात, इंतशार फैलाने वालों के साथ सख्ती से निमटने की हिदायत। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादिर शाह की मुलाकात, आम आदमी तक रसाई के कानून पर निफास पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब से लाहौर बार के 9 मुंतखब अहदेदारान की भी मुलाकात, मुनीर हुसैन भट्टी ने मॉडल टाउन अदालतों की मुंतकली के बाद दरपेश मसाइल का बताया। LDA City और Avenue 1 पर इजलास, DG मोहम्मद अली रंधावा ने सदारत की, एफ ब्लॉक के पोजीशन लेटर्स की तैयारी पर बात हुई, चुनाव रोड पर एसफॉल्ट समेत दीगर कामों पर ब्रीफिंग। और राणा जहीर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का आगाज, इफ्तिताही मैच में राणा जहीर हॉकी एकेडमी और गोजरा की टीमें आमने सामने आ गईं। अजहर जैदी, तौकीर डार, ख्वाजा जुनेद, टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल भी आए।